हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कार्यपत्रक चार को हल करेंगे। दक्षता, संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखने की समझ विकसित कर पाना, यानी जो संख्याएं होती है उनको विस्तारित रूप में किस तरीके से अपने को लिखना है। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा आपको, जैसे यहाँ पर संख्या लिखी गई 5329, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। तो 5000 प्लस 3 सैकड़ा प्लस 2 दहाई प्लस 9 इकाई, यानी आपको लिखना है इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है, दहाई पे कौन सा है, सैकड़े पे कौन सा और हज़ार पे कौन सा है। फिर इसका यानी विस्तारित रूप नीचे लिखना है 5 × 1000, यानी हज़ार का मतलब क्या होता है, 1000 होता है। तो 5 × 1000, 3 सैकड़ा 3 × 100, दहाई यानी 2 × 10, इकाई यानी 9 × 1। तो इकाई का मतलब 1 होता है, दहाई का मतलब 10 होता है, सैकड़े का मतलब 100 होता है और हज़ार का मतलब 1000 होता है। इस तरीके से आपको इसको हल करना है। जैसे 5 × 1000 तो यानी 5000, 3 × 100 300, 2 × 10 20, 9 × 1 9। तो अपनी संख्या बन गई 5329। इसी तरीके से आगे को हल करना है। जैसे लिखा गया 2873, तो इकाई पे क्या है 3, तो 3 इकाई, 7 दहाई, 8 सैकड़ा, 2000। तो 2 × 1000, 8 × 100, 7 × 10 और 3 × 1, तो 2870 3, इस तरीके से हल हो जाएगा। फिर दे रखा है 6135, यानी इकाई 6000, तो यानी 6 यानी हज़ार पे क्या है 6000, 1 सैकड़ा, 3 दहाई, 5 इकाई, तो हो जाएगा 6 × 1000 और 1 सैकड़ा है तो 1 × 100, 3 दहाई है तो 3 × 10, 5 इकाई है तो 5 × 1, तो 6100 30 5। इसी तरीके से आगे वाला हल करना है, जिसमें दे रखा है 9008, तो इकाई पे क्या दे रखा है 8 दे रखा है। जैसे 9000 है, इकाई पे 8 है तो 8 इकाई, दहाई में 0 है तो 0 दहाई, सैकड़े में भी 0 है तो 0 सैकड़ा और हज़ार पे यानी 9 लिखा है तो 9000, तो 9 × 1000, 0 × 100 यानी 0, 0 × 10, 8 × 1, तो 9001। बस अपना क्या हो जाएगा, प्रश्न हल हो जाएगा। इस तरीके से इनको विस्तारित रूप में लिखना है। फिर अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नांकित संख्याओं का विस्तारित रूप लिखिए, यानी विस्तारित रूप में लिखना है। जैसे 1735 लिखा गया, यानी 1735, तो 1000 प्लस 700 प्लस 30 प्लस 5, यानी सब इनको तोड़ना है। जैसे पहले एक लिखा गया, एक के बाद कितनी संख्याएं हैं उतनी जीरो लगा दो, सात के बाद कितनी संख्याएं हैं सात के बाद उतनी जीरो लगा दो, तीन के बाद जैसे एक संख्या है तो एक जीरो लगा दो, पाँच के बाद कोई संख्या नहीं है तो पाँच को पाँच लिख दो। फिर 2805 है तो 2000 है तो 2000 लिख दो पूरे, 800 है तो 800 पूरे लिख दो, और दहाई में कुछ नहीं है, जीरो है तो जीरो लिख दो, इकाई में पाँच है तो पाँच लिख दो। फिर 7603 तो 7600 और इकाई में लिख दो 3। फिर 2008 है, 2000 और इकाई में लिख दो 8, तो अपना हो जाएगा 2008। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विस्तारित रूप को संख्या रूप में लिखिए, यानी विस्तारित रूप लिख रखा है। जैसे 8720 5, 8 × 1000, 7 × 100, 2 × 10, 5 × 1 लिखा गया, तो 8000, 7 सैकड़ा, 2 दहाई, 5 इकाई, तो संख्या बन गई 8725। इसी तरीके से 7280 3 लिखा गया, तो 7 × 1000, 2 × 100, 8 × 10, 3 × 1, तो 7002 सैकड़ा, 8 दहाई, 3 इकाई, तो बन गया अपना 7283। फिर दे रखा है 6732, तो 6 × 1000, 7 × 100, 3 × 10, 2 × 1, तो 6007 सैकड़ा, 3 दहाई, 2 इकाई, तो 6732। फिर लिखा गया 800, 2000, 3 40। अब देखो इसमें आगे पीछे लिखा गया, तो अपने को पहले लिखना है 2000, 2 × 1000, फिर 800, 8 × 100, फिर 40, तो 4 × 10, फिर 3, तो 3 × 1, तो 2008 सैकड़ा, 4 दाही, 3 इकाई, तो हो जाएगा 2843। इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आई होप कि आपको ये कार्यपत्रक चार है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।